रेप और हत्या के जुर्म में उम्र कैद की सजा काट रहे हरियाणा के डेरा सच्चा सौदा के मुखिया गुरमीत राम रहीम को बीते दिनों एक दिन की पेरोल दी गई थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राम रहीम को 24 अक्टूबर को पेरोल दी गई। बताया जा रहा है कि राम रहीम ने अपनी बीमार माँ से मिलने के लिए एक दिन की पेरोल मांगी थी। वो गुरुग्राम के एक अस्पताल में भर्ती है, तो ऐसे में राम रहीम को सुनारिया जेल से गुरुग्राम अस्पताल तक भारी सुरक्षा के बीच ले जाया गया। इस दौरान हरियाणा पुलिस की 3 टुकड़ियां तैनात रही। एक टुकड़ी में 80 से 100 जवान थे। डेरा चीफ को जेल से पुलिस की एक गाड़ी में लाया गया, जिसमें पर्दे लगे हुए थे। गुरुग्राम में पुलिस ने अस्पताल के बेसमेंट में गाड़ी पार्क की और जिस फ्लोर पर उसकी मां का इलाज चल रहा था उसे पूरी तरह से खाली करा दिया गया था। बता दें कि डेरा प्रमुख रेप और हत्या मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद रोहतक जेल में बंद है। साथ ही पत्रकार रामचंद्र छत्रपति हत्याकांड के मामले में सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने पिछले साल जनवरी में गुरमीत राम रहीम को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। 16 साल पुराने इस मामले में कोर्ट ने गुरमीत राम रहीम के साथ ही 3 अन्य दोषी कुलदीप सिंह, निर्मल सिंह और कृष्ण लाल को भी उम्र कैद की सजा सुनाई थी। न्यूज डेस्क।